हेलो दोस्तों, करंट अफेयर जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में किसने अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2021 जीता है? नमिता गोखले, दया प्रकाश सिन्हा, खालिद हुसैन, अरुंधति सुब्रमण्यम। तो किसने जीता है? नमिता गोखले ने जीता है। इनका उपन्यास कौन सा है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए इन्हें प्राप्त किया है। दया प्रकाश सिन्हा हिंदी के लिए मिला है। और नाटक का नाम क्या है? सम्राट अशोक। साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो साहिबजादा मनाने वाला भारत का पहला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्रों या साहिबजादों की शहादत की याद में साहिबजादा दिवस मनाया है। हाल ही में किसे मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड मिला है? रोहित सरगना, दानिश सिद्दीकी, गीतांजलि श्री या विनोद दुआ को? किसको मिला है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दानिश सिद्दीकी को। ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्न में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में नामित किया है? सऊदी अरब, कतर, मिस्र या इजराइल? तो किसको किया है? मिस्र को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? टोनी ब्लेयर, लिज ट्रस्ट या मार्गरेट थाचर या बोरिस जॉनसन? तो किसको किया गया है? टोनी ब्लेयर को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। लुइस हैमिल्टन को भी ये मिला हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? झांसी, मेरठ, कानपुर, आगरा? तो आंसर हो जाएगा झांसी में कृषि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से किस द्वीप पर स्थानांतरित करने का विधेयक पारित किया है? सुम्बावा द्वीप, फ्लोरेंस द्वीप, बाली द्वीप या बोर्नियो द्वीप? तो आंसर हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। नई राजधानी को नुस्तारा नाम से जाना जाएगा। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? लखनऊ, कानपुर, नोएडा या इनमें से कोई नहीं? तो लखनऊ में आपका किया जा रहा है। देश की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी भी लखनऊ में खोली जा रही है। आम महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? लखनऊ में। इस वर्ष जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNC की काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो भारत ने इसकी की है। भारत ने 10 वर्षों के लंबे समय के बाद जनवरी 2022 में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता की है। पिछली बार 2012 में की थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजपूत, रुचिरा, कंबोज हैं, याद रखना। हाल ही में अंडर 19 एशिया कप किस देश ने जीता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या बांग्लादेश? तो किसने जीता है? भारत ने जीता है श्रीलंका को हराकर। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला, अमिताभ कांत, BK त्रिपाठी या विक्रम मिश्री? तो किसको किया गया है? BK त्रिपाठी को चुना गया है रेलवे का CEO। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सूचकांक और रैंकिंग का सही नहीं है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 भारत का स्थान 101वां है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या 132 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 भारत का स्थान 40वां है। या डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 भारत का स्थान कौन सा 53वां है? तो आंसर है आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 भारत का स्थान क्या है? 53वां नहीं है, भारत का स्थान कौन सा है? 46वां स्थान है। बाकी सब सही हैं। इसमें कौन सा स्थान हो जाएगा आपका? सिर्फ ये गलत है। इसमें आपका स्थान हो जाएगा, भारत का स्थान है 46वां,
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 101वां स्थान, ह्यूमन डेवलपमेंट में 132वां स्थान, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 40वां स्थान और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में 46वां स्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम या कोच्चि? तो मुंबई में आपकी वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी और वाटर मेट्रो कोच्चि में, वाटर मेट्रो कोच्चि और अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है, असम, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब? तो किसकी बनी है, केरल की बनी हुई है। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार दुबई की है और न्यू घड़ी स्थापित करने वाली अदालत, न्याय घड़ी स्थापित करने वाली अदालत कौन सी है, गुजरात हाई कोर्ट है। जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा, पांडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख? तो जम्मू कश्मीर होगा आपका। यह सूचकांक जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों में शासन का आकलन करेगा, जनभागीदारी अधिकारिता कार्यक्रम जम्मू कश्मीर। निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई हैं, हरप्रीत चंडी, प्रियंका राधाकृष्णन, प्रियंका मोहितो या मेघा राजगोपालन? तो आपकी इसका आंसर है हरप्रीत चंडी। ब्रिटिश मूल की सिख सेना अधिकारी हरप्रीत चंडी ने अकेले दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल का सफर पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, जनरल मनोज मुकुंद नरवरे, एडमिनल आर हरिकुमार, जनरल बिपिन रावत, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, पटना, रांची, हैदराबाद या दिल्ली? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद में भारत के पहले ओपन संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं। ONG की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है, अलका मित्तल, माधवीपुरी बुच, सोमा मंडल या शांति श्री धूलीपड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलका मित्तल। माधवीपुरी किसकी बनी है, सेबी की, किसकी, सेबी की बनी है। शांति श्री धूलीपड़ी, UCG, ये सभी आपको ये है। अलका मित्तल किसकी बनी है, ONG की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। माधवीपुरी बुच किसकी बनी है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, किसकी, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सोमा मंडल सेल की पहली महिला चेयरपर्सन, शांति श्री धूलीपड़ी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति बनी हुई है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस शहर में रखी गई है, झांसी, आगरा, मेरठ या अयोध्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेरठ। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय लगभग कितने 700 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ है, मेरठ में। हाल ही में किस राज्य के गंजम जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या उड़ीसा? तो उड़ीसा को किया गया, उड़ीसा के गंजम ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। कहाँ का, उड़ीसा का गंजम। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण नंबर 2 कार्यक्रम 2021 के अंतर्गत
ODF प्लस गांवों की सूची में अव्वल राज्य कौन सा है? असम, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या पंजाब? तो कौन हो जाएगा इसमें आपका? तेलंगाना। दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण नंबर 2 कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस गांवों की सूची में देश में पहले स्थान पर तेलंगाना राज्य है। RBI के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम या मनमोहन सिंह? तो किसको किया गया है? उर्जित पटेल को। इसका आंसर उर्जित पटेल को किया गया है। ये हैं आपके उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग चीन स्थित एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर थे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव निम्न में से किसे बनाया गया है? जेम्स स्टॉल्टेनबर्ग, हैथम अलघिस, नगोजी ओंकाजा इवेला, टेड्रोस एडहोन? तो किसे बनाया गया है? इसका आंसर है आपका हैथम अलघिस। मुख्यालय कहाँ है ओपेक का? वेना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वेना में। हाल ही में PM मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने के लिए घोषणा की है? 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 15 दिसंबर या 26 दिसंबर? तो कब की गई है? 26 दिसंबर को मनाया जाएगा आपका वीर बाल दिवस। यह दिवस गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। और कहाँ मनाया जा रहा है? सबसे पहले UP में, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। कब? 26 दिसंबर को। भारत का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नोएडा उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ पंजाब, कोप्पल कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो कोप्पल कर्नाटक में किया जा रहा है आपका टॉय क्लस्टर। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर को किस विशेष दिन की थीम घोषित किया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस? तो कब किया गया? भारतीय विज्ञान दिवस की ये थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर घोषित किया गया है। किसने किया है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? फिलीपींस, जापान, जर्मनी या चीन? तो किसने दी है? फिलीपींस ने दी है ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस का मिसाइल का आपका जो मुख्यालय बनाया जा रहा है कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF ने किसको अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया है? कार्ल मार्क्स, जीजस ह्योटा डी सोटो, पियरे ओलिवियर गोरिच या गीता गोपीनाथ? तो IMF ने किसने अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया है? तो पियरे ओलिवियर गोरिच। किसको? गोरिच को किया गया है, ध्यान रखना। और इससे पहले गीता गोपीनाथ भी बनी थी। हाल ही में कौन से राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई है? कौन से जल की गई है? तीसरे की गई है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए दिए जाते हैं। किसके द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। कुल कितने पुरस्कार दिए गए? 57 पुरस्कार दिए गए। सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सेकंड नंबर पर पूछे तो कौन है?
राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। और उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? मुजफ्फरनगर। हाल ही में कौन बैडमिंटन की जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है? अमी घिसिया, आसना रॉय, तस्नीम मीर या अनाहत सिंह। तो कौन बनी है? तस्नीम मीर बनी है। तस्नीम मीर नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है। कौन? तस्नीम मीर। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में निम्न में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? वीनस विलियम्स, सिमोन वाइल्स, पीवी सिंधु या नाओमी ओसाका। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नाओमी ओसाका। इस सूची में पीवी सिंधु कौन से स्थान पर हैं? सातवें स्थान पर हैं, भारत की हैं। निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? रॉबर्ट लेवांस्की, कायलोन एम्बोपे या लियोनल मेसी या मोहम्मद सलाह। तो किसे चुना गया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। स्पेन की एलेक्सिया पुतिलास ने फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिताब का पुरस्कार जीता। हाल ही में कौन से गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा की गई है? 75वें, 79वें या 81वें। तो 79वें ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसने? कौन है? द पावर ऑफ द डॉग, कुत्ता ही चल रहा है। ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ। और ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निकोलस किडमैन। हाल ही में इफको साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री, नमिता गोखले, शिव मूर्ति या दया प्रकाश सिन्हा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव मूर्ति। पुरस्कार राशि कितनी है? 11 लाख रुपए है। यह ऐसे लेखक को दिया जाता है जिन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीण और कृषि जीवन को केंद्रित किया है। इसे भी ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है। पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस नृत्य से जुड़े हुए थे? गरबा, गिद्दा, बिहू या कथक। किससे जुड़े हुए थे? कथक से जुड़े हुए थे बिरजू महाराज। उन्होंने भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक माना जाता है। इन्हें पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया है। सेबी ने प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में निवेशकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सारथी, मनी कंट्रोल, 5paisa या एंजल ब्रोकिंग। तो क्या किया है? सारथी ऐप। नए ऐप का उद्देश्य निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाता है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? चिंता, लॉकडाउन, क्वारंटाइन या निम्न में से कोई नहीं। तो चिंता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपने हालिया शोध के आधार पर चिंता को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है वर्ल्ड ऑफ द ईयर वैक्स। ICC पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर शाहीन शाह अफरीदी, जो रूट, बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद रिजवान। ICC के पुरुष वर्ग के पुरस्कार 2021 ICC प्लेयर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी। ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जो रूट। और ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर बाबर आजम।
जापान के किस पूर्व पीएम को नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया है? नाओतो, फुमिया, फुमियो किशिदा, शिंजो अबे या इसो हिंदे सुगा? किसको मिला है? शिंजो अबे को मिला है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी यानी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये जापान के प्रधानमंत्रियों ने किसी ने गोली मार के इनकी अभी हत्या कर दी है। हाल ही में किसने सैयद मोहदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है? परुपल्ली कश्यप, साइना नेहवाल, नंदू नाटे या पीवी सिंधु? तो सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 19 जनवरी, 20 जनवरी, 22 जनवरी या 23 जनवरी? तो कब मनाया गया है? 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। किसकी जयंती है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 25 जनवरी, 22 जनवरी या 22 अप्रैल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। प्रत्येक साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर डे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव एसेबल एंड पार्टिसिपेटेड। गुजरात आपदा प्रबंधन के साथ साथ किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? विनोद शर्मा, अशोक शर्मा, रमेश चंद या निम्न में से कोई नहीं? तो विनोद शर्मा को मिला है आपदा प्रबंधन, उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर भारत और इजराइल ने स्मारक लोगो लॉन्च किया है? 20वीं, 28वीं, 34वीं या 29वीं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30वीं। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? एयर लेपेड हैं। राष्ट्रपति इसाक हरजोग हैं। राजधानी क्या है? यरूशलम या जेरूशलम है इसकी। हाल ही में जारी करप्शन पार्टिसिपेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, यानी करप्शन में भारत का कौन सा स्थान है? 83, 85, 88 या 101? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 85। पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क 88 अंकों के साथ। भारत के अंक कितने हैं? 40 हैं। किसके द्वारा जारी होती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा होती है, यानी डेनमार्क में बिल्कुल करप्शन नहीं है, भारत का करप्शन में 85वां नंबर है। हाल ही में किस ओलंपियन को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? गगन नारंग, साक्षी मलिक, नीरज चोपड़ा या राज्यवर्धन सिंह राठौर? तो किसे मिला है? ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा, भाला फेंक। वह ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पद्म पुरस्कार 2022 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 121, 123, 125, 128? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 128। सूची में 4 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म विभूषण हैं, 4 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 117 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार का पाने वालों में 34 महिलाएं हैं, ध्यान रखना, पुरस्कार पाने वालों में 34 महिलाएं हैं। आईसीसी महिला T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? स्मृति मंथाना, लीजे ली या टैमी बोमेट, फातिमा सना? तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी,
टैमी बोमेट है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर स्मृति मंथाना, प्लेयर ऑफ द ईयर स्मृति मंथाना है। आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर लीजे ली दक्षिण अफ्रीका की हैं। और आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, टैमी बोमेट जो इंग्लैंड की हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर पूछे तो स्मृति मंथाना है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने T2 पुरस्कार जीता है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इरोड जिला तमिलनाडु को 2010 से बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 होने के बाद प्रतिष्ठित, यानी पहले 40 की अब 80 हो गई, T2 पुरस्कार दिया गया है। T2 यानी टाइगर इंटू टू, यानी टाइगर कितने गुना हो गए, दो गुना। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न में से कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है, 10, 13, 18, 25। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 13। आंध्र प्रदेश सरकार ने मौजूद 13 जिलों में से 13 नए जिले बनाने के लिए सूचना का मसौदा जारी किया है। इसके बाद राज्य में कुल कितने जिले हो जाएंगे, 26, यानी 13 पहले थे, 13 आप 26 हो गए। कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान है, जापान, फ्रांस, इटली, चीन। तो शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेले गए, चीन। ये 24वें शीतकालीन ओलंपिक है। समर और विंटर दोनों ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला शहर बीजिंग है। ओलंपिक कहाँ खेले गए हैं, बीजिंग में, शीत और विंटर दोनों। भारत सरकार की मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं, राजीव कुमार, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर समीर बी कामत या डॉक्टर वेंकटरम अनंत नागेश्वरम। डॉक्टर वेंकटरम अनंत नागेश्वरम। हाल ही में वायु सेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है, भावना कंठ, शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी या सुमन सिंह। तो कौन बनी हुई है आपकी, शिवांगी सिंह है। देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है। पिछले साल फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली देश की पहली लड़ाकू विमान पायलट थी। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, नाओमी ओसाका, बारबोरा क्रेजिकोवा, एसले बाटी या डेनियल कोलिंस। किसने जीता है, एसले बाटी ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला पुरस्कार। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, आंसर देंगे यूकी वावरी, लक्ष्य सेन, रोहन बोनप्पा या महेश भूपति। किसने जीता है, लक्ष्य सेन ने जीता है ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष का खिताब। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि किसी भी शहर के वर्चुअल डिजिटल असेस्ट के हस्ताक्षर से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा, 20%, 30%, 40 या 50। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30%। वर्चुअल डिजिटल असेस से होने वाली इनकम पर अब तक 30% की दर से टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में पेश करते हुए बताया है कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा, 20,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर या 35,000 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25,000 किलोमीटर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में
कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? 500, 600, 200, 400, किसका किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी 400। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 में से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा? 2000, 100, 150 या 100, 250? कितने होंगे? 200 तक बढ़ाया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 21 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल 21-22 जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है? 7.2%, 9.2%, 9.9% या 5.2%? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2021, आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया है। अगले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 8 से लगा के 8.5% है। हाल ही में किस अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड जीता है? कंगना रानौत, सुष्मिता सेन, श्रद्धा कपूर या प्रियंका चोपड़ा? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग किसने जीता है? सुष्मिता सेन ने जीता है। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान या निम्न में से कोई नहीं? तो राजस्थान पहले नंबर पे रहा है। भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कहाँ स्थापित करेगा? किशनगंज, दिल्ली, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र या निम्न में से कोई नहीं? तो किशनगंज दिल्ली में करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कुश्ती को गोद लेने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कुश्ती को गोद लेने वाला राज्य कौन सा है? यहाँ लिख लेंगे यूपी है। हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल ने जेलवाणी एफएम 18.77 शुरू किया है? तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश में इंदौर की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाणी एफएम 18.77 फ्रिक्वेंसी शुरू किया है। इस रेडियो चैनल के माध्यम से जेल में बंद कैदियों को दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में पता चलेगा। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021, मुंबई दुनिया का कौन सा सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है? 4वां, 5वां, 6वां, 7वां? तो ऑप्शन नंबर बी 5वां। इस्तांबुल तुर्की को रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर है। इस्तांबुल कहाँ का है? तुर्की को। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 10 फरवरी या 11 फरवरी? तो कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ई रूपी वाउचर के सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 50,000, 70,000, 2,00,000 या 1,00,000 रुपये? तो इसकी कर दी गई है आपकी 1,00,000 रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ई रूपी डिजिटल प्रीपेड वाउचर की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY का परिव्यय कितना है? 40,000 करोड़, 45,000 करोड़, 48,000 करोड़ या 50,000 करोड़? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 48,000 रुपये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22-23 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत 80,00,000 घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचा विकास, गरीबी रेखा से नीचे को आवास, महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा या निम्न में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, बुनियादी ढांचा। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बुनियादी ढांचा सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा। हाल ही में किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ या नाटो? तो किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र से ने तंबाकू छोड़ो ऐप क्विट तंबाकू ऐप लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन हैं? टेड्रोस एडनोम। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है, RPF, CRPF या BSF या निम्न में से कोई नहीं? तो RPF, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे सुरक्षा बल RPF ने जनवरी 2022 के महीने में देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को बचाया है। यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी RPF को सौंपी गई है। 2022 में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? अब देखो, पाकिस्तान भी भैया दूसरों को पुरस्कार दे रहा है। बिल गेट्स, मार्क जुगरबर्ग, एलन मस्क या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है आपका बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक बिल गेट को हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है, जो पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 4.9%, 6.8%, 6.4%, 7.4%। कितना है? तो 6.4% है। 25-26 तक लक्ष्य है कि 4.5% हम लोग आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह से अर्थव्यवस्था घट रही है उससे लगता नहीं कि आ जाएंगे। हाल ही में किसने इंदौर में 550 टन क्षमता के गोवर्धन संयंत्र BioCNG प्लांट का उद्घाटन किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या निम्न में से कोई नहीं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन BioCNG प्लांट का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा BioCNG प्लांट है। उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, हरित ऊर्जा और उर्वरक के रूप में जैविक खाद प्रदान करना। विश्व आर्द्रभूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 30 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी या 3 फरवरी? तो आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। विश्व आर्द्र दिवस हर साल 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। विश्व आर्द्र दिवस 2022 की थीम अंतर्राष्ट्रीय थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा ग्राम में होगा। कहाँ होगा? लम्हेटा ग्राम में। कहाँ? जबलपुर के। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन यानी SEHT
पहल शुरू की है। उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय, तो किसने की है? रक्षा मंत्रालय ने चालू किया है आपका SEHET। वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? PR सृजेश, मनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा या PB सिंधु, तो किसको मिला है? अब यहाँ भाइयों नीरज चोपड़ा मत ठोक देना, यहाँ पर है PR सृजेश। किसको मिला है? PR सृजेश को दिया गया है। भारत के हॉकी गोलकीपर PR सृजेश ने अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर जीता है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय रानी रामपाल है। सृजेश दूसरे हॉकी खिलाड़ी जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो पहली तो भैया रानी रामपाल है। फेयरलेस गवर्नमेंट या गवर्नेंस, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है, पुस्तक के लेखक कौन हैं? नीता गुप्ता, जयंत घोषाल, डॉक्टर किरण बेदी या अतुल गोयल, तो कौन है? फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी, जो भारत की प्रथम महिला IPS हैं। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियन, कोलकाता नाइट राइडर, चेन्नई सुपर किंग, तो कौन बन गई हैं? चेन्नई सुपर किंग। IPL इंडियन प्रीमियर लीग की सफल टीमों में से एक और चार बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग ने 15 सीजन से पहले एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी या 5 फरवरी, तो मनाया जाता है 4 फरवरी को। प्रत्येक साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है आपकी? क्लोज द केयर गैप। हाल ही में भारत और कौन सा देश ICC Under-19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, तो कौन खेले? इंग्लैंड। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में पुरस्कार चुना गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मेघालय, तो अपना उत्तर ही प्रदेश है। 12 राज्य के अनुसार से प्रदेशों में से उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। विषय क्या था? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम की मूर्ति, जय भोलेनाथ। पॉपुलर श्रेणी में प्रथम महाराष्ट्र है। CISF सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी है। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी भारतीय नौसेना है। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी भारत। हाल ही में NCERT का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर हरिकेश से सेनापति, दिनेश प्रसाद सकलानी, निधि छिप्पर या मनोज सोनी, तो किसे किया गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी को। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत सरकार ने किस राज्य के 3 स्थानों होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और वबाई को माखन नगर के रूप में नामित करने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या निम्न में से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। होशंगाबाद का होगा नर्मदापुरम, शिवपुरी का होगा कुंडेश्वर धाम, वबाई का होगा माखन नगर। महाद्वीपीय चैंपियनशिप अफ्रीका कप ऑफ नेशन किसने मिस्र को हराकर जीती है?
म्यांमार, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान या सेनेगल ने। तो ऑप्शन नंबर डी, सेनेगल ने जीता है। यह एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। हाल ही में किसने AFC महिला एशियाई कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया या जापान? तो किसने जीता है? चीन ने। फाइनल कहाँ खेला गया? नवी मुंबई के DDY पाटिल स्टेडियम में। हाल ही में कौन JNU की पहली महिला कुलपति बनी है? आप लोग बताएंगे पहली महिला कुलपति बनी है। शांति श्री धूली पड़ी, प्रो नजमा यानी प्रोफेसर नजमा, धृति बनर्जी या वर्तिका शुक्ला? तो कौन बनी है? शांति श्री धूली पड़ी। वह JNU की पहली महिला कुलपति, इससे पहले ही करा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। वह M जगदीश कुमार की जगह लेंगी, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। जगदीश कुमार को UGC का अध्यक्ष चुना गया है। BR चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले निम्न में से किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बप्पी लहरी, बिरजू महाराज, प्रवीण कुमार सोपती या कृष्ण कुमार कुन्नाथ? तो भैया ये पप्पी लहरी गायक थे, बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, तो इन दो में से आपको लगाना है, तो दो में से देख लीजिए, प्रवीण कुमार सोपती। BR चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले जाने माने अभिनेता प्रवीण कुमार सोपती का निधन हो गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चोरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है? तो कितने वर्ष हो गए हैं? तो सबसे पहले तो चोरा चोरी हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका 1922 में, और 1922 से 22 तक कितने वर्ष हो चुके हैं आपके? 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई। फसल बीमा पॉलिसियों के वितरण के लिए भारत सरकार कौन सा अभियान लॉन्च करेगी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे साथ? तो कौन सा करेगी? मेरी पॉलिसी मेरे साथ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अपने कार्यान्वयन के 6 साल पूरे कर दिए हैं। दादा फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? पुष्पा द राइज, पैरासाइट, छिछोरे या धनुष? तो किसको मिला है? पुष्पा द राइज को। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 883 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया है। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए कीर्ति सेनन को मिला है। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान आशा पारेख, क्रिटिक बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा, क्रिटिक बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कियारा आडवाणी। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बना है? तेलंगाना, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर बी, असम। हाल ही में किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, कोल इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स या निम्न में से कोई नहीं? तो कोल इंडिया को मिला है। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है। दादा फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेन सेनन, फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ योगदान आशा पारेख या क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, तो कौन सा नहीं है, यही डी वाला सही नहीं है। फिल्म ऑफ द ईयर द पुष्पा द राइज है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को, उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी क्रिएटिक्स वाले हैं। भारत सरकार ने कहाँ जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सोबा हर घर जल जिला बना है, कुल्लू, शिमला, बिलासपुर या चंबा, तो कौन बना है, चंबा बना है। जल जीवन मिशन ने देश भर के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, हिमाचल प्रदेश का चंबा 100% हर घर जल जिला बन गया है। तो ये थे आपके करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन, अभी 400 और बचते हैं, तो 100-100 करके सभी करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।